Assalamualaikum, भली कर आया। वेलकम टू माई YouTube चैनल। टाइटल को देखने के बाद आपको आज की वीडियो के बारे में पता चल गया। आज की वीडियो है स्टूपिड ट्रिब्यूट टू शेख अयाज। मुझे मालूम है सब मुझे बोलेंगे कि ये व्लॉग आपको सिंधी में करना था। नहीं, अगर मैं ये व्लॉग सिंधी में करता तो सिर्फ सिंधी जुबान के लोग, सिंधी जुबान को जानने वाले लोग, समझने वाले लोग ही इस व्लॉग को समझ सकते थे। मगर आई वॉन्ट एवरी वन टू नो अबाउट शेख अयाज। मुझे ये व्लॉग उर्दू में करना है ताकि पाकिस्तान में रहने वाली हर कौम, हर जुबान इस व्लॉग को समझ सके और शेख अयाज को भी समझ सके। हर साल सिंध यूनिवर्सिटी के कुछ उस्तादजा और शागिर्दीन मिलके एक फेस्टिवल अरेंज करते हैं जो कि होता है शेख अयाज की याद में, जिसे हम सिंधी जुबान में कहते हैं अयाज मेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट शेख अयाज। शेख अयाज, जिनका असल नाम मुबारक अली था। शेख अयाज 2 मार्च 1923 को सिंध के एक शहर शिकारपुर में पैदा हुए। इन्होंने अपनी सेकेंडरी तालीम न्यू एरिया शिकारपुर हाई स्कूल से की। शेख अयाज बेसिकली एक वकील थे और इनको पोएट्री के हवाले से शौक बचपन से ही था। शेख अयाज एक लाजवाब पोएट भी थे और ये सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। शेख अयाज की पोएट्री रोमांटिक और एस्थेटिक है। शेख अयाज जिनको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। इन द एंड शेख अयाज 28 दिसंबर 1997 को इस फानी दुनिया से वफात कर गए। सो इट वॉज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट शेख अयाज एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने वहां पे जाके व्लॉग किया। सो बेसिकली ये है मेन एंट्रेंस फॉर अयाज मेलो, जहां पे सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए हमें अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जैसे ही हम अंदर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें एक स्क्रीन नज़र आती है। वो स्क्रीन बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो रश की वजह से अंदर लाइव प्रोग्राम न देख, वो आके यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से इट वॉज वंडरफुल। जगह जगह पे इनके वॉलंटियर्स खड़े हुए थे और टुडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ अयाज मेलो, तो सरदार शाह साहब ने भी शिरकत की और उनकी तकरीर इट वॉज माइंड ब्लोइंग। जिस तरह से उन्होंने बयान किया, जिस तरह से उन्होंने हमें समझाया रखा और कामयाबी। इसी अयाज मेलो के अंदर एक बुक स्टॉल और बुक यू कैन से जहाँ से आप बुक बाय कर सकते हैं वो एरिया भी दिया हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बुक स्टोर्स आपके अपना स्टॉल लगाते हैं और यू कैन से रीजनेबल रेट्स में बुक सेल करते हैं। इट वॉज माइंड ब्लोइंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस वंडरफुल मेलो। अगर हम देखें तो कितनी एक सहूलियात हैं अपने कल्चर को जगाने के लिए। यहाँ पे आप इजीली बुक ले सकते हैं, वो भी आप रीजनेबल यू कैन से प्राइस में। सो टोटल इट वॉज़ अ गुड इवेंट। और जिस तरह से आप रश देख रहे हैं शागिर्दीन की किताबों के स्टॉल पे तो, और इनकी दिलचस्पी इस जगह पे, सो मुझे बहुत खुशी हुई आज के आज देख के ये सारी चीज़ें। इट वॉज़ रियली टू मच इम्प्रेसिव। जिस एरिया को कल्चर डिपार्टमेंट ने एक यू कैन से आर्टिफिशियल विलेज बनाया था, वहाँ पे इन्होंने उसको बेहतर तरीके से यूज़ करके यहाँ पे भी हमारे कल्चर के कुछ कपड़े, कुछ पुराने यू कैन से जिन्हें हम सिंधी में बोलते हैं कि ठिकर जा थाम, इस तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी एंड अपने कल्चर को फिर से ज़िंदा किया। यहाँ पे ये सारी हैंडमेड थी और ये सेल भी हो रही थी। वाज रियली इम्प्रेसिव। जो यू कैन से फ्लूड इफेक्ट पीपल थे वो भी यहाँ पे आए थे और अपनी चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहे थे। लाइक किसी को अगर हाथ, यहाँ पे तकरीबन चीज़ें हैंडमेड थी और फ्लूड इफेक्ट पीपल जो थे, जो उनके पास हुनर था वो अपने हुनर से जो चीज़ें बना कर लाए थे वो यहाँ पे सेल कर रहे थे। एक्चुअली बहुत एक अमेजिंग ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपना आर्ट यहाँ पे आप रिवील कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा मुजाहरा था यहाँ पे भी, हमने जिस तरह से देखा इट वॉज़ वंडरफुल। यहाँ पे मैंने एक तरह से देखा, एक हम सिंधी में इस चीज़ को बोलते हैं पिंडी, जहाँ पे हम खाना वगैरह रोटी वगैरह परोसते हैं जिस चीज़ में, वो भी यहाँ पे हमारे सामने एक औरत बना रही थी। सो इट वॉज़ टू गुड। What's up everyone? This is me, Zain Jokyo. यार मैं आया हूँ अयाज मेलो पे और it is really wonderful. Like I didn't expect this thing that it will be go for that much. मगर माशाल्लाह से बहुत
बेहतरीन इवेंट जा रहा है। आई थिंक इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट टिल नाउ। और इसके साथ यहाँ पे डिफरेंट कल्चरल चीज़ें भी दिखा रहे हैं, हमारे कल्चर को जिंदा कर रहे हैं फिर से।